तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीमद गौरभक्तवृंद बोलाए कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग प्रणाम करता हूँ। आज एक बहुत अच्छी तिथि है, ये मौनी अमावस्या है। इसी मौनी अमावस्या को उपलक्ष्य करके हमारे गुरु जी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ये पृथ्वी ऊपर में अवतीर्ण हुए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य चदात्मान सृजामि। जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं और जो जब जब इसी जगत में अधर्म की बढ़ने लग जाए धर्म की हानि होने लगती है वो ब्राह्मण पृथ्वी स्त्रियों को ऊपर अत्याचार होती है तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के धर्मों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं संहार करता हूँ। क्योंकि उसी तरह कभी कभी भगवान भी आते हैं और कभी कभी अपना भक्तों को भी भेज देते हैं। इसलिए भगवान के छह तरह का अवतार, एक सत्यावेश अवतार, एक गुणा अवतार, एक लीला अवतार, एक पुरुषावतार, ऐसे करके भगवान की छह तरह का अवतार है। कभी कभी भगवान किसी जीव के अंदर में भी इसमें उसमें जो भगवत जो अवतार है अवतार में हम आगे सुनेंगे उसमें चतुष्ण भी अवतार है, नारद भी उसमें अवतार है। इसलिए कभी कभी भगवान किसी विशेष जीव का अंदर में अपना शक्ति को देख करके इसी जगत में भेज देते हैं और इसी जगत में वो आकर के भगवत वाणी को जगत में प्रचार और प्रसार करता है। इसलिए आज हमारे गुरुदेव जी जगत में प्रकट हुए हैं। बोले भैया जगत में साधु जगत में क्यों आते हैं? कारण क्या है? सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो गुरुवाष्टक का प्रथम श्लोक में कहते हैं, बोले संसार दावा नळ लीन लोक त्राणाय कारुण गाना गना तुम प्राण
विश्वनाथ गुरु ठाकुर कहते हैं बोले संसार दावा नरली हमने संसार को उदाहरण दिया ये संसार क्या है तो दामानल है। दामानल किसको कहते हैं जब किसी चक्कल में आग लग जाती है उसको दामानल कहते हैं। साधारण कहीं आग लग जाए ना उसको फायर ब्रिगेड में बुझा सकते हो लेकिन अगर जंगल में आग लगे तो फायर ब्रिगेड काम नहीं करती है। उसी तरह ये संसार को उन्होंने दामानल को साथ उदाहरण दिया मतलब जो संसार में जो दुख है कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी कोई पत्नी से दुखी कोई पड़ोसी से दुखी कोई काम से दुखी कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन दुखी दुखी दुनिया दुखालय है। इसलिए इसी जगत में जीव हम भगवान के सब संतान हैं। अगर बच्चा अगर दुख पाए तो हमारा थोड़ी सुख में रहते हैं इसलिए हमारे पिता तो ठाकुर जी हैं। जब देखते हैं संसार में जीव ये दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं तब भगवान की जो कृपा ही एक मूर्ति रूप धारण करता है श्री गुरु जी ये संत। इसलिए भगवान का कृपा ही ये एक मूर्ति धारण करते हुए इस संसार में आते हैं और आकर के हमें समझा करे कि भैया तुम कौन हो कहाँ से आए हो ये संसार में क्यों दुख कष्ट उठा रहे हो फिर हमें समझा बुझा कर क्या करते हैं अपना धाम में ले जाते हैं। इसलिए इसी संसार में जगत में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए आज का जो तिथि है इसका नाम मौनी अमावस्या बोले इसका नाम मौनी अमावस्या क्यों नाम पड़ा बोले कारण है जिस समय रावण ने माता सीता को उठा कर ले लिया शंकर जी कथा सुनने के लिए आए थे अगस्त ऋषि के आश्रम पर कथा सुनकर के क्या ही रहे थे इतने में कथा सुनने का फल क्या बोले भगवत दर्शन पास इतने प्रभु राम का दर्शन हो गया और रावण तो सीता को उठा करके ले गया प्रभु राम हासिते हासिते लता पता वृक्ष को पूछ रहे थे मेरी कहीं सीता को देखे हो गई। इतने में ही शंकर जी ने देखा देखो प्रभु कितने विचित्र लीला है जो घनघटवासी इन जीवों को शिक्षा देने के लिए कैसे लीला कर रहे हैं। शंकर जी पार्वती को लेकर के सती को लेकर के दूर से परिक्रमा कर रहे थे इतने में सती की शंका हो गई सती की शंका हो गई बोले प्रभु आप किसको परिक्रमा कर रहे हो आप जो परम ब्रह्म परात्पर तत्व प्रभु राम की कथा सुनाते थे क्या ये वही राम ना ये कोई साधारण जीव है क्योंकि मेरे को पता है असली सीता को तो रावण चुराया नहीं वो तो अग्नि के पास में ये नकली सीता को रावण उठा कर ले गया और ये अशोक वाटिका भी मेरे को पता है अगर ये खटगटवासी राम होते थे आज कोई बात पता नहीं। देखो दुनिया में है दुनिया में सबको आप समझा सकते हो लेकिन पांच पाव को नहीं समझा सकते जान तो पांच पाव कौन है पहला नंबर पत्नी आप भले सारा दुनिया को उपदेश दो सारा दुनिया को समझाओ लेकिन पत्नी को बताने के लिए आप क्या समझाएंगे बोले इनको तो मैं समझाता नहीं पहला नंबर अपना पत्नी को नहीं समझा सकते हो दूसरा नंबर अपना पुत्र को नहीं समझा सकते हो दुनिया को भले ही पढ़ा लो लेकिन बेटे को तुम पढ़ा नहीं सकते हो समझा नहीं सकते तीसरा नंबर अपना पुत्री चौथा नंबर अपना परिवार सारा दुनिया को समझाओ परिवार वाले को बात नहीं सुनेंगे हैं और जो पांचवा नंबर है कहते पड़ोसी सारा दुनिया में तुम्हारे मित्र पड़ोस में चल रहा है। इसलिए यहाँ पर पार्वती को बहुत समझा है लेकिन पार्वती बोली लिखी पड़ी हूँ थोड़ी अनपढ़ हूँ मैं सब जानती हूँ इसलिए शंकर जी ने बोले भैया परीक्षा करके देख लो इतने में उसने सीता रूप धारण करते हुए परीक्षा ली और जो सामने आ गई इतने में प्रभु जी ने बोले माता जी शंकर तो उधर से चले गए आप इधर कैसे चले आए हो देखो भैया समझ गए ये तो समझ गए पर इतने में प्रभु राम के चरण में प्रणाम किया प्रणाम करके जब खड़ी हुई ना देखा सिया राम है सब जग जाने जहाँ देखे सीता राम सीता राम सीता राम बोले सीता मेरे से कहीं अलग नहीं शक्ति शक्ति मतलब अभेद केवल मैं लीला कर रहा हूँ जगत को शिक्षा देने के लिए लीला कर रहा हूँ बोले भैया इसमें और क्या शिक्षा दे रहे थे जिस समय प्रभु राम सीता को लेकर के वनवास में आए सीता तो बड़ी सुंदर है अभी प्रभु
वो गृहस्थ लीला कर रहे हैं। ये चीज को देख करके आश्रम में जो ब्रह्मचारी लोग थे ना, बोले भैया गृहस्थ तो बड़ा सुंदर है, देखो सीता कितने अच्छी है और कितने राम की सेवा कर रही है, हाँ? कितने राम को ध्यान देती है, भैया गृहस्थ जीवन तो बड़ा सुख है। अब ये ब्रह्मचारियों को मन में ना शादी की इच्छा हो, अभी भगवान ने देखा कि भगवान काम में लीला कर रहा हूँ, ये ब्रह्मचारी मेरी गृहस्थ देख करके ये ब्रह्मचारी सोच रहे हम भी शादी करें, बोले इनके लिए कुछ लीला करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी सोच रहे हैं भैया राम को तो सीता मिल गया, हमें कहाँ से सीता मिले, हमें कहाँ से मिलेगी। लेकिन उन्होंने सुना था अहल्या पत्थर थी, राम का चरण स्पर्श से अहल्या सीता अहल्या बन गई, पत्थर से अहल्या बन गई। एक एक काम करेंगे हम, पत्थर उठा उठा के ना प्रभु राम के चरण में स्पर्श कराएंगे, अगर जिसको काली पत्नी चाहिए काली, जिसको गोरी चाहिए गोरी, इसलिए पत्थर ले गए प्रभु राम के चरण में स्पर्श कराएंगे। बात सुंदर बनता है, अहल्या बड़ी सुंदर थी, इनके मन में ना ये भावना आ गई। प्रभु जी ने देखा भैया ये ब्रह्मचारी में खुद शिक्षा देना पड़ेगा, इसलिए रावण जब सीता को उठा करके ले गया, प्रभु राम जान बूझ करके जितने ऋषि मुनियों का आश्रम था ना उसको पास में जाकर के जोर जोर से रुआ करते थे, जोर जोर से रोते थे, हा सीते तुम कहाँ हो, हा सीते तुम कहाँ हो। ब्रह्मचारी लोग सोचे हम तो सोच रहे थे भैया गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है, भगवान ही अपना बीवी को रक्षा नहीं कर पाए, रावण उठा करके ले गया और यहाँ पर तो राक्षस लोग हैं, अगर हम शादी किए अगर बीवी को उठा करके राक्षस ले गया तो भैया गृहस्थ जीवन में बड़ा दुख है। इसलिए कहते शादी होकर के रोए नहीं, गृहस्थ होकर के रोए नहीं, साधु होकर सोए नहीं तो क्या। प्रभु ने बड़ी प्यारी लीला किया, इतने में अभी उसने तो सीता रूप धारण की, जब उसने वापस गई सती, शंकर जी ने पूछा पर क्या कर ली, देखो अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना सीधा बोल देनी चाहिए हमने ये कर डाली, लेकिन अगर आप एक एक छुपाने के लिए कोशिश करोगे इस सत्य बात को, एक बात दूसरे झूठ दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे झूठ बोल जाओ, इसलिए सीधा बोल दो। सती से जब पूछा तुमने परीक्षा की है, बोले प्रभु आप जो बताओ थोड़ी झूठ हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया मैंने सीता रूप धारण करते हुए परीक्षा की। शंकर जी ध्यानस्थ हो, कौन सा रूप लेकर परीक्षा की, उन्होंने सब कुछ देखी, मेरी माँ सीता के रूप धारण की, शंकर जी ने संकल्प लिया फिर सती को मैं अपना पति रूप पत्नी रूप में ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों मेरी माँ की उसने रूप धारण की, माता सीता की हृदय से उन्होंने सती को पत्नी रूप से उन्होंने त्याग दी। त्याग देकर के पहले सती को सामने बैठा करके कथा सुनाए, उनको बाम पार्श्व में रखा कर बैठा गया करते थे, लेकिन अभी वो बाम पार्श्व में नहीं बैठा थे, उनको गुरु का स्थान दे रहे हैं। इतने में सती ने देखा शंकर ने तो मेरे को त्याग दे दिया, अभी तो कथा सुनाते नहीं, पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए सती ने जा करके फिर दक्ष प्रजापति यज्ञ में जाकर के अपना शरीर को त्याग दी। जब त्याग दी इतने में शंकर जी ने देखा जब सती चली गई फिर कथा किसको सुनाऊंगा, फिर मैं कथा किसको सुनाऊंगा, फिर आज गाते थे शंकर जी मौनी धारण, आज शंकर जी मौन धारण कर लिए, क्योंकि जब तक ये सती पार्वती बनकर के नहीं आएंगे तब तक मुंह नहीं खुलेंगे। कथा तो सुनाया करते थे सती को सुनाया करते थे, इसलिए आज दिन का नाम है मौनी अमावस्या, इसलिए आज का दिन हमारे गुरुपाद पद्म इसी धराधार में गुरु जी अवतीर्ण हुए हैं। कहते हमारे जो गुरु जी थे आज का जो दिन है इसको कहते हैं व्यास पूजा। बोले भैया व्यास पूजा क्यों कहते हैं, व्यास पूजा तो जिस दिन से व्यास देव अवतीर्ण हुए गुरु पूर्णिमा को व्यास देव अवतीर्ण हुए थे, इसलिए हम उसको व्यास पूजा कहते हैं। फिर आज का दिन फिर अपना गुरु जी को फिर व्यास पूजा क्यों करना बोलते हैं, मतलब व्यास मतलब होता है विस्तार करना, जैसे व्यास देव
एक वेद विचार के ब्रह्म सूत्र, फिर उन्होंने महाभारत, फिर उन्होंने उपनिषद, ये सारे ग्रंथ को उन्होंने जैसे उन्होंने वर्णना किया है, विस्तार किया है, हमारी गुरु पाद पर भी ठीक उसी आसन पर बैठी करके व्यास देव ने जो काम की गुरु जी ने वही काम उसी गुरु जी किया है। जगत में हरि कथा को, प्रभु का जस को, महिमा को, नाम रूप गुण लीला को जगत में जो व्याख्या करते हैं, विस्तार करते हैं, इसलिए उनको व्यास पूजा आदि कहते हैं। बोले भैया व्यास पूजा का मतलब क्या होता है? हम जानते हैं व्यास पूजा का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु जी के लिए इतना तो कपड़ा ले आओ, नहीं तो छतरी ले आओ, जूता ले आओ, थोड़ा प्रणाम भी ले आओ, गुरु जी गला में माला पहना दो, गुरु जी के चरण में फूल चढ़ा दो, कुछ प्रणाम भी दे दो, बस हमारी गुरु पूजा हो। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ये गुरु पूजा इस पर नहीं कहते। गुरु पूजा उसे कहते हैं गुरु जी की जो इच्छाओं को जो जगत में प्रचार करते हैं। बोले भैया गुरु जी की क्या इच्छा है? बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूप कथामयम तदाति सो पदांति। बोले गुरु जी की दो इच्छा है। बोले पहला इच्छा है निष्कपट होकर के भजन करो, निष्कपट होकर के भजन करो। इसलिए जिस समय नारद श्री ध्रुव महाराज को मंत्र दिए, जब ध्रुव जी वैकुंठ विजय कर रहा था, नारद जी बिना बजा बजा करके नृत्य कर रहा था, बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया, मैंने ऐसे एक जीव को मंत्र प्रदान की जो जीव भगवत भजन करते हुए आज वैकुंठ विजय कर रहा है, इसलिए मेरा शिष्य बनना सार्थकता हो गया। गुरु जी का पहला इच्छा है निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करो और भक्ति करते हुए भगवत लोक को जाओ। क्यों? गुरुपाद ब्रह्म कुली कुलक वृंदावन से ही जीव को उद्धार करने के लिए इस मर्त्य जगत में आए, इनकी ये पहला इच्छा है। कहते इनकी दूसरी इच्छा क्या है? बोले श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जनभूतले। दूसरी इच्छा है भगवत भक्ति को साथ में भगवत भक्ति को प्रचार करो, भगवत भक्ति को जगत में प्रचार करनी चाहिए भगवत भक्ति को। इन्हें दुनिया में महाप्रभु का यही भविष्यवाणी एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि मेर नाम। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम प्रचार होगा, सबके सब प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसको व्यास पूजा कहते हैं। निष्कपट होकर के जो जितने गुरु जी की आदर्श को, जो जितने जगत में प्रचार और प्रसार कर सके, उनके आदर्श को जो जीवन में पालन करते हुए निष्कपट होकर भजन करते ही असली व्यास पूजा है। इसलिए आज का दिन जो व्यास पूजा हम मनाते हैं। कहते हमारे जो गुरु जी, कहते इनका जो जीवन है बड़ा अद्भुत जीवन है, दिव्य जीवन है। इसलिए माता कुंती कहती है हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, जिसको पास में चार चीज रहे ना, चार चीज में अगर एक चीज हो जाए तो प्रभु का मत नहीं चलेगा। लो चार चीज क्या मिले? जन्म पहला स्थिति। इसलिए अगर कोई अच्छे कुल में जन्म हो जाए, अगर ज्यादा पैसा हो जाए, अगर ज्यादा सुंदर हो जाए, अगर ज्यादा ज्ञान हो जाए, कहते चार में अगर किसको पास में एक आ गया ना, वो भजन नहीं करेगा, बड़ा अभिमानी हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा कहती है प्रभुता पाई का बदनाही। ये प्रभुता ऐसे भी चीज है जिसको पास में प्रभुता हो, ऐसे कौन सा व्यक्ति जिसको अंदर में ये मत्ता पाई अभिमान नहीं आ जाए। इसके अंदर में चार चीज होगा तो भक्ति करेगा नहीं, अगर इसमें एक चीज भी हो जाएगा वो प्रभु का भजन नहीं करता है। पहला नंबर है जन्म। लेकिन हम देखते हैं हमारे गुरु जी के पास में संपूर्ण रूप से चार चीज थी,
तब भी गुरुदेव भजन करते थे, इसका मतलब है हमारे गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पहला नंबर क्या बोले, जन्म। तो गुरु जी की जन्म कहाँ पर हुआ, बोले गुरु जी ब्राह्मण घर में जन्म। ब्राह्मण भी बहुत कटावर का ब्राह्मण होता है, ये तिवारी ब्राह्मण बिहार की बक्सर है, बिहार का बक्सर में गुरु जी की जन्म हुई है, इसलिए ब्राह्मण घर में उच्च हाई भाई ब्राह्मण घर में जन्म हुए है। जन्म हुए कहाँ पर, बोले बक्सर। बोले बक्सर का स्थान क्या, पवित्र भूमि। जिस समय राम लक्ष्मण सीता ये तीनों ने वनवास में गए, वो बक्सर में वहीं पर रुके थे और वहीं पर श्री विश्वामित्र जी की भजन स्थली, वहीं पर उन्होंने यज्ञ किया है विश्वामित्र जी, इसलिए विश्वामित्र जी की यज्ञ स्थली और श्री भगवान राम लक्ष्मण सीता की वहीं पर उनकी निवास भी, ठाकुर जी वहीं निवास किए हैं, इसलिए वो जो स्थान है पवित्र स्थान में गुरुपाद पद्म जन्म ग्रहण किया है, इसलिए जन्म। बोले दूसरा नाम चीज किया है जन्म ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब होता है पैसा, क्योंकि गुरुदेव उसी समय एक पुलिस ऑफिसर में काम कर रहे थे। आपको पता है पुलिस ऑफिसर हो जाए ना, पानी जैसे घर में पैसा आता है, पैसा लेना नहीं चाहते पर भी आपको जोर जबरदस्ती लोगों को पैसा दे दी जाएगी, जोर जबरदस्ती पैसा दे दी जाएगी, इसलिए गुरुदेव है पैसा में बहुत पैसा वाला थे, हाँ पुलिस ऑफिसर में काम करते थे गुरुदेव, इसलिए जन्म ऐश्वर्य। मतलब श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान। गुरु जी के अंदर में इतने ज्ञान था। जब मैं पहले मथुरा में आया, मैं पुरी में पहले रहता था अपना गुरु जी का आश्रम पर, लेकिन मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती थी मैं भी भगवत कथा सीखूं, मैं भी हरि कथा सीखूं। मैं सोचता था कहाँ पर जाकर कथा हरि कथा सीखेंगे, तो मैंने वहाँ सुना था अभी एक व्यक्ति श्री नारायण गोस्वामी महाराज ये मथुरा में रहते हैं और ये बच्चों को बड़ी सुंदर हरि कथा सिखाते हैं, बड़ी सुंदर बच्चों को हरि कथा सिखाते हैं और सचमुच से बच्चों को खड़े करके तुम हरि कथा बोलो, तुम हरि कथा बोलो, रोज रोज एक एक श्लोक बच्चों को देते थे और एक एक ब्रह्म सूत्र देते थे। जब किसी गुरु वर्ग का तिथि आ जाती थी, गुरुदेव सबको चांस देते थे, सबको चांस देते थे। इसलिए मैं जब पहले मथुरा में आया ना, गुरु जी के पास में देखा, वहां पर तो भगवत कथा की नदी की धारा बह रही, जैसे हर मंदिर में एक बार कथा होती है, लेकिन वहां पर मथुरा में देखा तीन तीन बार कथा होती है। अगर कोई गुरु वर्ग का तिथि आ जाए ना, कोई साधु संत कोई तिथि आ जाए, गुरुदेव स्वयं दिन में चार बार कथा करते थे, एक बार सवेरे, एक बार दोपहर को, एक बार शाम को और एक बार आरती के बाद। गुरुदेव तो स्वयं तीन बार कथा करते थे, लेकिन आरती को बाद में सबको बोलते थे, ब्रह्मचारियों को, तुम भी कथा सुनाओ, तुम भी खड़े होकर कथा, तुम भी बोलो। गुरुदेव सबको चांस देते थे हरि कथा सीखने के लिए। ये गुरु जी के अंदर में मैं मंदिर में आकर ना बहुत बड़ी शिक्षा मैंने पाया है, बहुत बड़ी शिक्षा पाया। मैं देखा दूसरे मंदिर में अगर थोड़ी सी कोई श्लोक सीख ले, थोड़ी सी कोई हरि कथा सीख लेना, दूसरे व्यक्ति उसको टांग पकड़ कर भेजना शुरू कर देते, बोले ये हमसे आगे बढ़ नहीं जाए, ये हमसे आगे बढ़ नहीं जाए। लेकिन केवल हमने गुरु जी के पास में आकर जो देखा, जो बच्चा हरि कथा बोलता है, श्लोक सीखता है, गुरु जी उसको उत्साह ज्यादा देते, उसको ज्यादा उत्साह देते थे और ज्यादा प्यार करते थे मैंने देखा, क्योंकि जो गुरु जी का जो असली संपत्ति क्या है, रुपया पैसा धन दौलत मठ मंदिर उनकी असली संपत्ति नहीं, उनकी जो असली संपत्ति इनकी ज्ञान, इनके ज्ञान है। इसलिए हर पिता जैसे चाहता है मेरे बाद में मेरे बेटा अगर कोई बिजनेस हो उसको ठीक ठीक से उसको चलाए, उसको बर्बाद नहीं करे, भले उसको और आगे बढ़ाए, यही पिता माता चाहते हैं। उसी तरह गुरु जी चाहते हैं क्या, उनको यही चाहते हैं जो भगवत वाणी है इसको आगे, ऐसे कोई शिष्य हो जो भगवत वाणी को प्रचार और प्रसार करे और निष्कपट होकर भक्ति करे। गुरु तो यही चाहते हैं ना, जब गुरुदेव ये चीज को देखते हैं तो गुरुदेव ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में श्री परमेश्वर प्रभु
इन्होंने कहाँ से सीखे, ये गुरुदेव से उन्होंने सीखे, सीख करके अभी सब बच्चों को भी सब शिक्षा देते हैं, श्लोक सिखाते हैं, खड़े करते हैं, बुलवाते हैं, उनको चांस देते हैं। इसलिए गुरुदेव चार चार बार कथा करते थे एक विषय को ऊपर में, एक विषय को ऊपर में चार चार बार गुरुदेव कथा करते थे। इसलिए जो गुरु जी के अंदर में जो ज्ञान है ना, इतने ज्ञान थी, दूसरे दूसरे मठ से भी सबके सब आकर के गुरु जी के पास से ज्ञान के आहरण करते थे, शास्त्र की शिक्षा लेते थे। इसलिए श्री बोले, श्री मतलब होता है सुंदरता, सुंदर। हम लोग गुरुदेव फटो को देखो, मैंने जब सर्वप्रथम मथुरा मठ आया, पूरी से मथुरा मठ आया है, गुरु जी कथा सुन करके, महिमा सुन करके, जब पहला बार देखा ना, मैंने सोचा ये कोई अंग्रेज तो नहीं है, ये तो कोई अंग्रेज, मतलब गुरुदेव देखने में गुरुदेव का रंग ऐसे था जैसे अंग्रेज जैसे लगते थे गुरुदेव, ऐसे अंग्रेज जैसे लगते थे, और उनकी आंखों की पुतला देखना एकदम नीला है, नीला पुतला साहित्य में किसको नहीं मिलती, इनके आंखों की पुतला देखना एकदम नील रंग थी। इसलिए गुरुदेव देखने में भी बहुत ही सुंदर थे गुरुदेव। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य श्रोता श्री, ये गुरु जी के अंदर में ये चार चीजें परिपूर्ण मात्रा में थी, लेकिन रहते हुए भी जो भगवत भजन करते थे, इसका मतलब है गुरुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इसलिए गुरुपाद पद्म कहते इनकी जो भजन आदर्श और इनकी जो जीवनी है ना, श्री चैतन्य महाप्रभु से कुछ मिलता जुलता है। बोले कैसे, बोले महाप्रभु कितने उम्र में उन्होंने संसार त्याग दिया था, 24 साल उम्र, अपना पत्नी विष्णु प्रिया सख्यात लक्ष्मी विष्णु प्रिया को और घर में माँ को त्याग देकर के महाप्रभु संन्यास ग्रहण किया है। इसलिए गुरु जी के जीवन में भी वैसे मिलता है, है? गुरु जी के जीवन में भी वैसे गुरु जी का जीवन में भी मिलता है। गुरुदेव ने 24 साल उम्र में उनकी पत्नी को हमने देखा है, गुरु जी का रंग जैसे ना, बल्कि उसके ऊपर और भी सुंदर होती थी। एक बार मथुरा मठ में आई थी, जब वृद्धा हो गई थी उस समय में, इसलिए मैंने देखा बहुत सुंदर ब्राह्मणी लड़की थी और बड़ी सुंदर थी, एकदम सफेद एकदम पूरा गौरव वर्ण थी उनकी पत्नी। इसलिए उन्होंने और उनको दो बच्चे थे, दो बेटी उनकी थी, है दो बेटी थी। लेकिन उसी अवस्था में गुरुदेव ने, अब तो हिंदू घर में दो बेटी छोटी छोटी हो, घर में पत्नी 17-18 साल की हो, है उसी उम्र में पत्नी की मोह त्याग करके, बच्चे की मोह त्याग करके साधु बनना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरुदेव जिस समय त्याग दे करके आए घर मंदिर में, पूरा उनके गांव के लोग आ गए, बोले तुम्हें अपना पत्नी को त्याग दे दिया और दोनों बच्चे उनको कौन पालेगा पोसेगा कौन, और तुम्हें साधु बन रहे, पूरा गांव वाला आ गया मंदिर में, फिर उनको लेकर के चले गए, गुरु जी को जोर जबरदस्ती लेकर के चले गए। जब लेकर चले गए फिर गुरुदेव गए और जा करके रात भर अपना उन्होंने पत्नी को पता सुनाई, भगवान ये जीवन क्यों दिया, ये जीवन प्रभु सहज में नहीं देते मानव जन्म। भगवान तो कृपा करके कैसे मानव शरीर में प्रदान कर दिया, ये मानव शरीर नहीं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक स्वरा, ये 84 लाख जन्मों के बाद में एक ही जीवन मिलता है, जिस जीवन में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और किसी जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं कर सकते। अगर ये जीवन ऐसे ही मिल गया तो ठाकुर दो बार मानव शरीर दे गए नहीं, उन्हें रात भर उन्होंने पत्नी को बैठा कर कथा सुनाई। तो सकल जन्म में सब पिता माता पाए, हर जीवन में पिता माता भाई बंधु मिलते हैं, लेकिन कृष्ण गुरु ना ही मिले तो जय जाए, लेकिन गुरु जी और कृष्ण हर जीवन में नहीं मिलते हैं। इसलिए रात भर उनकी कथा सुनाते सुनाते पत्नी को उन्होंने समझाया, समझा करके फिर पत्नी राजी हो गई, ये कोई सहज बात नहीं, पत्नी राजी हो गई। जैसा दो छोटे बच्चे हो है, और आपको पता है भारत में पत्नी कहीं बाहर जाती नहीं काम करने के लिए, उस समय में ब्राह्मण घर की उनका पर्दा है, और पति को बोल दे तुम चले जाओ संन्यास बन देती, ये भी कोई साधारण बात नहीं।
इसलिए उसी अवस्था में गुरुदेव ने मंदिर में जब आए, देखो गुरु जी को साथ में शिष्यों का कितना संबंध है। जब गुरुदेव आए उस समय वो बिहार से आए, नवद्वीप रेलवे स्टेशन में उतरेंगे गुरुदेव, उतरेंगे तो उसी समय रेलवे स्टेशन में कोई लाइट नहीं, उस समय कोई बत्ती बत्ती है, रात में आएंगे। लेकिन गुरुदेव का साथ में शिष्य का क्या करना संबंध है। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनको जो गुरुदेव थे, उन्होंने अपना एक शिष्य भक्तिवेदांत श्रीला वामन गोस्वामी महाराज को एक हार की लंठन होता है ना, उस समय देख रहे बोले जाओ एक तिवारी आएगा, इनका नाम था नारायण तिवारी है, एक तिवारी आएगा उसको तुम लेकर के आ जाना। लेकिन जब वो भी गुरुदेव जब आ रहे थे, उन्होंने सुना कहीं नवद्वीप में मंत्री है, लेकिन उनको पता नहीं पहला बार अगर रात को उतरेंगे भैया कहाँ जाएंगे रात को। लेकिन गुरुदेव पहले से पता चल गया, उन्होंने शिष्यों को पहले भेज दिया। जब ट्रेन वहां पर रुका तो गुरुदेव उतरे, भैया कहाँ जाऊंगा क्या करूंगा, इतने में एक व्यक्ति कह रहा है बोले भैया तिवारी जी कौन है, वो तिवारी मतलब उनका टाइटल तिवारी है, बोले भैया तिवारी जी कौन है, तिवारी जी कोई है। गुरुदेव ने कहा भैया तिवारी तिवारी कौन बुला रहा है, मेरे नाम को लेकर कौन बुला रहे हैं। बोले मैं तिवारी हूँ। बोले क्या बोल रहे हो। बोले गुरु जी आपको लेने के लिए भेज दिया। बोले भैया आपने तो कोई पत्र पत्र दिया कि हम आ रहे, फिर उनको कैसे पता चला मैं आ रहा। मतलब गुरु जी को पहले से ही पता चला मेरी कोई एक शिष्य आ रहा है, हैं कोई आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने मंदिर में आकर के सारे वेद पुराण गुरु जी का अनुगत में सारे शास्त्र को सीखे और बड़े सिंसियर होकर उन्होंने सारे साधन भजन करते थे। पहले पुलिस में थे, पुलिस का लोग इतना स्ट्रिक्ट हो गए, पहले तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, ऑफिसर थे, सारे नियम कानून, उन्होंने ये सारे गुण पुनः भक्ति भजन मिलता है। पूरा संसार का जो गुण है, इसलिए भगवान को ही कहते हैं तुम्हारे अंदर में जो गुण भगवान ने दिया उसको तुम ठाकुर को सेवा करो, बात इसी से ही कल्याण हो जाएगा। ठाकुर ने तुम्हें जो जो गुण दिया उन्होंने वही चीज को उन्होंने पूरा निष्ठा नियम के साथ में हरिनाम करना भक्ति करना। इसलिए शास्त्र ने बताया कृष्ण गीता में कहते आचार्य जो कौन है, बोले आचार्य जो वही है, बोले आचिन्नति जह शास्त्रार्थ शास्त्रार्थे आचार्य स्थापयति स्वयं आचार्य जस्मास आचार्यस्ते कहते। कृष्ण गीता में कहते वही आचार्य है जो पहले अपना जीवन में आचरण करे और उसके बाद में उसको प्रचार करे। इसलिए पहले आचार्य उसके बाद में प्रचार। इनके अंदर में दो चीज बड़ा घोर था, इनके जो आचरण है ना इतना स्ट्रीक है, सोच नहीं सकते। जब तक ये 100,000 हरिनाम पूरी नहीं करते थे तब तक ये कोई भोजन नहीं करते थे। हाँ 100,000 हरिनाम करके तभी भोजन करते थे और उठते थे 2:30-3 बजे को अंदर में उठ जाते थे और 9 बजे को अंदर में 100,000 हरिनाम उनको पूरी करना, 100,000 नाम पूरी करके फिर जाकर किसी भोजन करते थे, फिर दिन भर भजन करते थे, दिन भर के लिए भजन करते थे। इसलिए ये इतने स्ट्रिक थे, इनके जो बड़े बड़े गुरु भाई थे ना, इनका जो बड़े बड़े गुरु डरते थे, क्योंकि इनसे डरते थे, ये छोटे थे लेकिन उनके बड़े गुरु भाई डरते थे। मतलब क्यों डरते थे, पूरा निष्ठा नियम में पक्के थे, हैं पूरा निष्ठा नियम में एकदम पक्के थे, इसलिए कोई अन्याय को कभी सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए इनको डरते थे गुरु भाई लोग। इसलिए आचरण भी बड़ा बड़ा दृढ़ आचरण, भक्ति की पूरा दृढ़ आचरण है। इसलिए कहते इनका कहते मैं इनके लिए उदाहरण देता हूँ, कहते हमारे गुरु जी कैसे हैं, इनका नाम नारायण, घर में इनका नाम नारायण था। आपको पता होगा हमारे भारत में जब कोई नाम करना करते हैं ऐसे तैसे नाम करना नहीं करते थे, पहले ब्राह्मण को बुलाते हैं, जन्म पत्र देखते हैं, अक्षर निकालते हैं, उसी अक्षर का अनुरूप नाम होता है, ऐसे तैसे नहीं नाम कर देते, तुल्लू बुल्लू टिक्की बिक्की ऐसे नाम नहीं रखते थे, कुत्तों का नाम नहीं रखा करते थे। इसलिए उन्होंने उनका नाम नारायण निकला। फिर जब ये गुरु जी के पास में आए फिर गुरुदेव उसमें गौर नारायण नाम रख दिया, गौर नारायण। फिर जब संन्यास ब्रह्मचारी का नाम,
अरे जो सन्यास लिए थे गुरुदेव उनका नाम भैरव नारायण, इसलिए इनका नाम तीन तीन बार नारायण नारायण नारायण, बोले भैया इनका नाम नारायण क्यों? देखो इसकी बहुत सारे मतलब है। पहला मतलब है बोले नारायण मतलब नर, मतलब नर, आयन मतलब आश्रय। भगवान का नाम नारायण क्यों? बोले हर जीवों का जो आश्रय ठाकुर जी, हर जीवों का ठाकुर जी आश्रय, क्योंकि वो जगत पिता जगन्नाथ है, सबका तो आश्रय हुए है। इसलिए पहला नंबर नारायण मतलब सचमुच से इनकी हृदय इतने महान था, इनके हृदय इतने महान था। इनके लिए मैं उदाहरण देता हूँ जीव गोस्वामी, जैसे श्री जीव गोस्वामी के शरण में तीन शिष्य आए, कहते नरोत्तम श्यामानंद श्रीवास, ये उनकी कोई भी शिष्य नहीं थे, उनके कोई शिष्य नहीं थे, लेकिन इनकी शिक्षा शिष्य थे, सबसे सब शिक्षा शिष्य, इनके गुरुदेव और कोई है। लेकिन जब जीव गोस्वामी के पास में आए, जीव गोस्वामी पहले ये सब विचार नहीं बताते, वो इसकी चला, वो इसकी चला, उसकी चले को हम क्यों आदर करेंगे, वो उसका चला, ऐसे नहीं था। क्यों? जो साधु है वो समदर्शी होते हैं, सबको बराबर रूप में दर्शन करते हैं, इसलिए उसका चला नहीं। हम तो एक ठाकुर की संतान है, एक पिताजी हम बच्चे हैं, एक पिताजी से हम बच्चे हैं, तो अलग अलग था है। इसलिए इनके हृदय में अयम जी जो प्रलंबे थी गणना लघु जी के साथ, कृष्ण कहते हैं ये मेरा है वो तेरा वो इसका, जिसकी हृदय छोटा हृदय है ना वही उसकी 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 करते हैं। लेकिन उदार चरित्र मनान तो जिसके हृदय उदार है, बोले वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधा के हर जीव का अपना परिवार समझता, हम एक परिवार के हैं, हम कोई अलग परिवार की नहीं, एक पिता की हम संतान है। इसलिए माँ गुरु जी का अंदर में ये चीज हमने देखी, ये चीज गुरु जी का अंदर में देखो, वो कभी भी है जैसे जीव गोस्वामी जैसे तीनों को शिक्षा दी और तीनों ने तीनों तरफ में भेजा और सर्वत्र उन्होंने महाप्रभु का वाणी प्रचार की, उसी तरह गुरुपाद पद्म भी ऐसे इनको पास में सब दूसरे दूसरे मठ के सब शिष्य लोग आए, जैसे मैं भी कहीं दूसरे स्थान से मैं भी आया हूँ, श्री माधव प्रिय प्रभु सिद्धार्थ महाराज वो भी किसी दूसरे मठ से आए हैं, और जितने अंग्रेजी सन्यासी लोग थे, कोई भक्तिवेदांत स्वामी महाराज से, कोई गौर गोविंद महाराज से, कोई श्री जनार्दन स्वामी महाराज का शिष्य, श्री बामन महाराज के शिष्य, उन्होंने दूसरे दूसरे शिष्यों को पालन किया। अपना शिष्य को कोई अपना पालन कर सकता है, अपना बच्चे को कोई पालन कर सकता है, लेकिन दूसरे बच्चों को अपना मानकर पालन करना ये कोई साधारण बात नहीं। इन्होंने दूसरे दूसरे बच्चों को उन्होंने पालन की, और पालन करने का वजह से इनको सबके सब अपना गुरु रूप में मानते हैं, सबके सब इनको गुरु रूप में मान करके गुरु का स्थान देता है, अपना गुरु जी को कभी कभी सम्मान देना कठिन, लेकिन फिर अपना शिक्षा गुरु को सम्मान देना एक बहुत बड़ी चीज है, अपना शिक्षा गुरु को सम्मान देना। इसलिए इनके पास में जो जो आए हैं इन्होंने सबके सब उनको अपना शिक्षा गुरु रूप में लेकर के, जो शिक्षा गुरु और जो दीक्षा गुरु में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही वस्तु है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। इसलिए उन्होंने दोनों को बराबर रूप में रख करके उन्होंने सब प्रसाद शिक्षा दी। और अभी जैसे श्री जीव गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद श्रीवास को दुनिया में भेजे और हरि भक्ति प्रचार किया, अभी भी गुरुदेव जिन जिन्हों को शिक्षा दिया देखो सारे पृथ्वी में उन्हीं को प्रचार कर रहे हैं, स्वामी महाराज शिष्य लोग सबके सब सारा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। मैं भी देखो माधव प्रिय गुरु सिद्धार्थ महाराज देखो और श्री अगर मधुसूदन महाराज और जितने सबके सब गुरुदेव ने शिक्षा दिए, श्री बाबन गोस्वामी महाराज ने जितने शिक्षा है, श्री श्री माधव महाराज सत्यर्थ महाराज ब्रह्म महाराज और परमेश्वर प्रभु जी है, इन लोगों ने देखो सारा दुनिया में इनके शिक्षा शिष्य है, इनके शिष्य नहीं शिक्षा शिष्य सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए नारायण मतलब है हर जीवों को जो अपना आश्रय देख करके सबको भगवत भजन में लगाती है, एक अर्थ है। नर मतलब होता है रस, और अयन मतलब होता है आश्रय, तो सारे रस का जो आश्रय है। इसलिए सचमुच से जो गुरु जी है वो सारे रस का आश्रय गुरुदेव थे,
इतने गुरुदेव अक्सर करके इनकी जो ग्रंथ है ना सबके सब रसली ग्रंथ है। इसलिए कहते शास्त्र में तीन चीज मिलता है, संबंध, अविधेय और प्रयोग। इसलिए कहते हैं जो स्वामी महाराज का अक्षर का जो ग्रंथ है वो संबंध तत्व को उन्होंने बताया अक्षर करके। और मेरे गुरु पाद पद्म में भी कहते अक्षर करके जितने ग्रंथ है उन्होंने संबंध तत्व को पर मेरे गुरुदेव बताया। जैसे भगवत गीता को मेरे गुरुदेव प्रकाशित किया है, ब्रह्म सूत्र को मेरे गुरुदेव प्रकाशित किया है, उद्धव संवाद को प्रकाशित किया है, हैं भगवत गीता को और वेदांत सूत्र को प्रकाशित किया अक्सर कर। इसलिए हमने संबंध है कहते जो अविधेय कहते कि भक्ति रखते श्रीधर महाराज हुए हैं, कहते उन्होंने उनकी जो अक्सर ग्रंथ है वो अविधेय तत्व। अविधेय मतलब है मार्ग के से भगवान को पाने का मार्ग किया। और हमारे जो गुरुपाद पद्म है इन्होंने प्राय इनकी ग्रंथ देखोगे प्राय रस ग्रंथ है ना, प्राय जैसे रास पंचाध्याय को प्रकटित किया, वेणु गीत को उन्होंने प्रकटित किया है। इसलिए श्री जैव धर्म ग्रंथों को उन्होंने ट्रांसलेशन जैव धर्म ग्रंथों को किया। इसलिए हमारे महाराज श्री गीत गोविंद को प्रकाशित किया है। इसलिए कहते हैं तीन मृदंग है, कितना मृदंग है तीन मृदंग, एक मृदंग तीन बजाते, दूसरा मृदंग बृहत मृदंग और तीसरा जो मृदंग है जीवंत मृदंग, जीवंत मृदंग। इसलिए गुरु जी के अंदर में सारे मृदंग देखने को मिलती है। पहला नंबर है जो मृदंग गुरुदेव मृदंग भी बजाना जानते हैं। और गुरुदेव का जो कंठ है ना कोई जैसे कुहूकती है। आप कभी महाराज का भी भजन है सीधी में दासरी में आप लोग कभी सुनना कितने गुरुदेव की कला कितना मीठा। इसलिए जब मथुरा में मैं आया हूँ कार्तिक महीना में राधा दामोदर अष्टक को हर मंदिर में पाठ करते हैं, लेकिन हर मंदिर में रोज उसको पढ़ते हैं राधा दामोदर अष्टक को। नमामि स्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम को कुल भ्राजमानम जसोदा व्योलुखलाप्तावमानम परामृष्ट मत्त तत्तुत गुप्त, ऐसे पढ़ते। लेकिन मैं पहला बार मथुरा में आकर के देखा गुरुदेव बड़ी सुंदर, कभी संग्रह करना क्या सुंदर कितने सुंदर में गाते थे हैं कितने सुंदर। बोले नमामि स्वरम सचिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुल राजमान यशोदा व्योलुखलाप्तावमान परामृष्टमत्त पता चल जाए कोई गौर नारायण मतलब इतनी अच्छी रोटी बनाते थे
इतने अच्छे रोसे ही वो समझ जाते थे कि ये इसको श्री गौर नारायण ने ये रोसे ही बनाया, इसलिए इतनी अच्छी रोसे ही बनाया करते थे। इसलिए इनका पहला मृदंग तो ये कहते श्री ये मृदंग, ये पहला मृदंग। दूसरा मृदंग ये कहते बृहत मृदंग, मतलब बृहत मृदंग कहते ग्रंथ को, मतलब इसका आवाज तो थोड़ी दूर तक जाएगा लेकिन जो ग्रंथ है ना इसकी आवाज जहां तक ये ग्रंथ पहुंच गया, पृथ्वी के किसी कोने में अगर ये ग्रंथ पहुंच गया ना, बस वो भी अगर ये ग्रंथों को पढ़े उसका जीवन भी धन्य हो जाता है, हैं? इसलिए उसको बृहत मृदंग बताया, जो सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी को जहां जहां जाए जो जो पढ़े वो सबके सब प्रभु की भक्ति में लग जाए, इसलिए उसको बृहत मृदंग। फिर तीसरा मृदंग, इसलिए बृहत मृदंग में हमारे जो महाराज जी बहुत बड़ी, विशेष करके हिंदी भाषियों के लिए इनकी जो अवदान है बहुत बड़ी अवदान है, इसलिए यही एक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने जैव धर्म जैसे ग्रंथों को बोले 7 बार पढ़ करके मंत्रास है और शिक्षा उपदेशानुतम शिक्षा अष्टकम और श्री मन शिक्षा लघु भावी गुरुदेव ने बहुत बहुत सारे ग्रंथ है, गुरुदेव ने महाप्रभु शिक्षा मृतम महाप्रभु का शिक्षा ये सारे ग्रंथों को गुरुदेव ने प्रकाशित कर किया, उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तो बहुत बहुत कुछ उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए किया है। कभी ये जो बृहत मृदंग जो ग्रंथों को बताए, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे जगत में सबसे बड़े दानी किसको कहते हैं, जो भगवत कथा दान करते वो सबसे बड़े दानी, लेकिन उसी कथा को जो चिरस्थायी रूप में ग्रंथ रूप में जो प्रकाशित करके जाए तो उससे भी ज्यादा महत्व है जो ग्रंथ को प्रकाश करके जाए। बोले क्यों, जो दुनिया जब तक रहेगा ये ग्रंथ तब तक जगत में रहेगी, ये ग्रंथ को जो पढ़ेगा जब आकर के उनका भी कल्याण कौन करेगा, ये ग्रंथ करेगा। इसलिए गुरुदेव ने ये बृहत मृदंग काम किया। और तीसरा जो मृदंग है तो ये जीवंत मृदंग, मतलब जीवंत मृदंग मतलब क्या है, मतलब जो स्वयं सर्वत्र जाकर के महाप्रभु का वाणी को प्रचार करे। इसलिए गुरुदेव कभी संपूर्ण पृथ्वी को 36 बार उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को उनका परिक्रमा किया, उन्होंने 6 महीना में आधा पृथ्वी और 6 महीना में आधा पृथ्वी, पूरा के पूरा साल में एक साल में पूरा पृथ्वी को, ऐसे कोई कंट्री नहीं रशिया अमेरिका लंदन फ्रांस जर्मनी ऐसे कोई देश नहीं जहां गुरुदेव नहीं गए और सर्वत्र महाप्रभु का वाणी को प्रचार उन्होंने प्रसार नहीं किया है। इसलिए कभी तीनों मृदंग में गुरुदेव प्रकट है, तीन मृदंग में, इसलिए इनका नाम नारायण है। इसलिए नर मतलब होता है ज्ञान, अयन मतलब होता है आश्रय, जो संपूर्ण ज्ञान की जो गुरुदेव आश्रय। इसलिए गुरुदेव जो कथा करते थे ना, इसलिए दूसरे दूसरे मठ की सब लोग धीरे धीरे आने लगे, उनके पास सबके सब डर गए, ईश्वर भी डर गया, लगता है ईश्वर पूरा खाली नहीं हो जाए, सबके सब गुरु जी के पास में सबके सब धीरे 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 गुरु जी के पास में आने लग गई गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव इसलिए इनको ब्रजमंडल को उपाधि, इनको युगाचार्य की उपाधि, बोले कौन उपाधि युगाचार्य को दी इनको, बोले साधारण लोग नहीं ब्रजवासी, भैया ब्रजवासियों के पास में प्रतिष्ठा करना बड़ा कठिन है, वो तो खुद कहते भगवान हमारा हाथ में खाते हैं, भगवान हमारे झूठा खाते हैं, ठाकुर तो हमारे चरण धूल लेते हैं, हम किसको पूजा करें, सबका गुरु कृष्ण कृष्ण का गुरु ब्रजवासी, वो बोलते सबका गुरु कृष्ण जगत गुरु और कृष्ण का गुरु कौन ब्रजवासी, सबका गुरु हमें, इसलिए ये लोग किसी को अपना टिकने नहीं देते, किसी को भी प्रतिष्ठा नहीं देते ये लोग, हैं? लेकिन इन लोगों ने केवल ब्रज मंडल में, हम गुरु जी के साथ में रहते थे ना परिक्रमा जाते थे, इसलिए देखता था इनको ब्रजवासी बड़े प्यार करते थे, ब्रजवासी बड़े प्रेम करते थे, क्योंकि गुरुदेव का जो वैराग्य था बड़ा अद्भुत वैराग्य था, अद्भुत वैराग्य गुरुदेव को, एकदम सीधा सीधा पहनना सीधा सीधा खाना और 24 घंटा गोस्वामी लोग जैसे हैं, गोस्वामी लोग जैसे संख्या पूर्वक नाम गान प्रतिदिन कालावसान कृतो निद्रा आहार विहार कादि विहितो चतत जीवन चलो राधा कृष्ण गुण स्मृतेन
मधुरिमान सन्महितो बंदे रूप सनातनम रघुजी को श्रीजी को गोपाल को। जैसे गोस्वामी का भजन करते थे इनके जीवन में पूरा के पूरा, कि गुरु जी के पास में उन्होंने रहा, गुरु जी की हमने सेवा की है, बहुत गुरु जी की हमने सेवा की, गुरु जी के पास में रहा, देखा है संख्या पूर्ण करना, रोज नियम करके है, खाने से पहले एक लाख पूरी नाम करना, फिर सारा दिन भजन करना। इसलिए गुरुदेव कहते थे जैसे गोस्वामी ने भजन किया, मैंने ठीक वैसे कोशिश की भजन करने के लिए। अभी यहाँ पर गिरधारी गौरी मठ गोवर्धन में, वहीं पर दो मंजिल मकान थी, चारों तरफ में खेती पानी पानी थी, गुरुदेव वहीं पर रह करके बड़ी कष्ट से वहीं पर रह करके कभी ब्रजवासी घर में मार दूकरी ले लेते थे, नहीं तो कभी थोड़ी सी खिचड़ी बना देते थे, स्टोव रखते थे, खिचड़ी बना करके खा लेते थे, और पूरा गिरिराज की परिक्रमा रोज करना, और दो दो लाख हरिनाम और गोस्वामी ग्रंथ अध्याय, गोस्वामी ग्रंथों को अध्याय। इसलिए जब मैंने मथुरा मठ में पहला आया ना, गुरुदेव अलग अलग ग्रंथ का बात करते थे, प्रेम संपूर्ण चमत्कार चंद्रिका, और गुरुदेव नई नई कथा सुनाते थे। हम बोलते थे भैया सब कथा कहाँ से सुना रहे, हमने कभी सुनी नहीं सब कथा को, हाँ चमत्कार चंद्रिका अद्भुत अद्भुत, उसमें चार स्टोरी विश्वनाथ को माधुर्य का आदम नहीं। जब गुरुदेव कथा सुनाया करते थे भैया, गुरुदेव इसे नई नई कथा कहाँ से सुनाते, ये नई नई बात कहाँ से करते थे, क्योंकि गुरुदेव ने सारे ग्रंथों को अध्ययन किया। अब विशेष कर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को जो टीका थी, उन्होंने कभी कभी बोलते थे मुझे थोड़ी थोड़ी विचार बोलता हूँ ना, विशेष करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को टीका से, सचमुच से उनको टीका पढ़े बगैर रसिक कोई नहीं बन सकता है, नई सिद्धांत कोई नहीं बता सकता है, सामंजस्य कोई नहीं कर सकता है, जब तक उनकी टीका को अध्ययन कोई नहीं करे। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म को युगाचार्य की उपाधि कहाँ पर दिए, बोले श्री उच्चा गांव ललिता गांव वहां पर है, वहां पर बलदेव प्रभु का स्थान वहां पर है, बलदेव प्रभु का, वहीं पर सारे ब्रजवासी नंदगांव बरसाना गोवर्धन और श्री वृंदावन और श्री मथुरा के हैं, ये चौबे लोग सबके सब मिल करके ब्रजवास मिल करके गुरुदेव को उसी समय में युगाचार्य की उपाधि, युगाचार्य मतलब क्या है, इस युग में जो विशेष करके एक आचार्य का जो काम कर रहा है, आचार्य वही है जो जीवन में आचरण कर और जीवन में प्रचार करे। इसलिए उन लोगों ने गुरुदेव को युगाचार्य की उपाधि रूपाधि पद्म को उन्होंने प्रदान किया है। और गुरु जी के जीवन में एक विशेष वस्तु थी, उन्होंने किसी चीज को समझौता नहीं करते, जैसे हो गया नहीं, जो सही जो गलत वो गलत है। इसलिए अगर कहीं कोई व्यक्ति कहीं कथा होती होगी, एक समय क्या हुआ, इस्कॉन में वहां पर एक धर्म सभा हुई थी, पहले गुरुदेव को इस्कॉन में बुलाया करते थे, गुरुदेव वहां पर गए हुए थे, और वहां पर भी कोई बड़े बड़े मंत्री लोग आए थे। जब मंत्री लोग आए थे, मंत्री लोग जब कोई कथा सुनाए ना, जैसे अभी साधुओं के ऊपर भी टीका टिप्पणी कर देते हैं, कभी इधर उधर बोल देते हैं, किसी धर्मों के ऊपर भी इधर उधर बोल देते हैं, लेकिन गुरुदेव वही पर थे, और गुरुदेव तो पुलिस ऑफिसर थे, तो साधारण थे, और जगत का सारा दुनिया की जितने सारे मंत्री जितने सब बड़े बड़े नेता बड़े बड़े सब महापुरुष उनके जीवन चरित्र जानते थे, और सिद्धांत सारे शास्त्र का सारे तत्व सिद्धांत जानते थे। किसी नेता ने कोई मंत्री ने कुछ तो बोल दिया, गुरुदेव कभी समझौता नहीं, जो सही 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 है गलत गलत है। कोई मंत्री जब कोई बोले ना, गुरुदेव खड़े होकर के सबके सामने उसको ऐसे डांट लगाए, इतने उसको उसने डांट लगाया गुरुदेव को, बोले तुम कब से मंत्री बने हो दुनिया में, जानते हो हमारे देश में कौन कौन महापुरुष आए, और लोगों ने धर्मों के बारे में पता है, गीता कभी जिंदगी पढ़ी है, भागवत हिंदू अगर पढ़े हो गीता भागवत, सबको सामने ऐसे डांट लगाया गुरुदेव, हाँ उधर चुप हो गया मंत्री, एकदम चुप हो गया उसको, क्यों गुरुदेव सब चीज जानते हैं ना, इसी जगत का भी अच्छे पोस्ट में थे सारी दुनिया को। इसलिए जब गोकुल में जाते थे, सारा दुनिया जो भागवत ग्रंथ पढ़ेगा उसको बोलो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुई, सारा दुनिया को लेकिन मथुरा में जन्म हुई, सारा दुनिया ही कहे कृष्ण आया वासुदेव आया देवकी नंदन आया वसुदेव का बेटा है। गुरुदेव गोकुल में जाकर के गोकुल में जाकर के सारे पंडित को सामने ये चीज को स्थापन करते थे, कृष्ण
मथुरा में जन्म नहीं हुए, कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, जन्म गोकुल में हुए हैं। एक समय मथुरा में बहुत बड़े धर्म सभा थे जिसमें केवल विद्वान लोग आए थे। अब मथुरा के जो चौबे लोग हैं वो बड़े ज्ञानी लोग हैं, सारे शास्त्र सब श्लोक शास्त्र को बड़े बड़े पंडित लोग वहाँ पर बल्लभ को लिखे दूसरे को लिखे। वहाँ पर एक मनोहर शास्त्री था, मैं भी वहाँ पर गया था गुरु जी को साथ में, मनोहर शास्त्री था वो विद्वान को अंदर उसी दिन सबसे उसको बड़े विद्वान रूप में विभूषित कर रहे थे, उनको कोई अच्छा कोई इज्जत पोस्ट दे रहे थे। और उसमें गुरुदेव कथा बोलते बोलते एक दिन गुरुदेव उसी कथा में बोल दिए, सब विद्वान लोग बोले गुरुदेव बोल दिए कृष्णा को मथुरा के लोग है ना वो कहते नहीं कृष्ण मथुरा में प्रकट हुए, कृष्ण मथुरा में जन्म हुए क्योंकि वो मथुरा के लोग हैं, हैं वो कहते कृष्ण मथुरा में जन्म हुए, लेकिन गुरुदेव बोल दिए कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं हुए, जन्म गोकुल में। और इसी बात को लेकर इतना इतने विवाद चढ़ गया, वहाँ बड़े बड़े पंडित लोग थे, इतने विवाद वहां पर छिड़ गया गुरु जी की बात को लेकर। जब बात को छिड़ गया फिर गुरुदेव ने दो बार माइक ले लिया, गुरुदेव तो पहले बोले थे ये बात को जब कोई पंडित ने खंडन किया गुरुदेव, फिर दो बार उन्होंने माइक ले लिया। माइक लेकर गुरुदेव ने भागवत से श्लोक को बोले भैया मैं तो नहीं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग तो भागवत को मानते हो, विद्वान लोग भागवत को मानते हैं करते नहीं, बोले ये भागवत में क्या झूठ बोले, बोले देखो भागवत का गोपी ने गोपी गीत का पहला श्लोक को देखो, बोले जय तीर्थिकम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रि, तो मैं बोल रहा हूँ ना राधा रानी कह रही है, ये गोपियां कह रही हैं जय तीते धिकम जन्मना ब्रज, कृष्ण जन्म कहाँ हुए ब्रज में हुए, मथुरा में नहीं ब्रज में हुए हैं, कहती ये भागवत में, बोले सुखदेव गोस्वामी तो झूठ बोले भी है, कृष्ण का जन्मोत्सव का प्रथम श्लोक है, बोले नंदस्तु आत्मद जाता लाद महामना, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं नंदस्तु आत्मा, बोले किसका आत्मा से हुए, बोले नंद की, इसलिए बोले नंद के आनंद भाई वो जय कन्हैया लाल, किसका आनंद भाई, वसुदेव का आनंद नहीं कहते, नंद के आनंद भाई वो, बोले ब्रह्मा तो झूठ बोले भी नहीं, ब्रह्म स्तुति का पहला श्लोक है, बोले नव मिट्यते अभ्र बपुषे तरी तंबरायो, इस श्लोक में कहते हैं पशु पांग जाय, पशु का मतलब जो पशु गैया को जो पालन करे उनकी अंग से जो प्रकट हुई, कल श्री गर्गाचार्य जी नामकरण करते समय वो भी कह रहे हैं, बोले कुछ कहते हैं प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जाता तबात्म आत्म तेरा है बेटा तेरा, लेकिन किसने कभी की वसुदेव का बेटा हुआ, बोले ये क्या झूठ है, इतना स्थापन किया गुरुदेव सबको चुप करवा दिया, इसलिए कभी गुरुदेव समझौता नहीं करते थे, बोले जो है वो है जो नहीं है वो नहीं है, इसलिए समझौता नहीं करते थे कोई भी। एक समय कोई मायावादी हाँ कोई साधु था वो भी भगवान को निराकार निराकार ब्रह्मवादी स्थापन किया, गुरुदेव एकदम बुरी तरह से उसको सबको बीच में खंडन करके उसको उन्होंने खंडन कर दिया, सबको बीच में खंडन करके उन्होंने भक्ति को स्थापन किया, बोले भगवान निराकार नहीं, निराकार होता तो तू कहाँ से आ गया, तेरे बाप कहाँ से आ गया है, भगवान निराकार राम कैसा है कृष्ण कहाँ से आए, इसलिए एक श्लोक है अरूप वत ही तद प्राधान्यतो, ये ब्रह्म सूत्र का उसमें बताया अरूप वत ही, कभी वो अरूप भगवान को अरूप नहीं अरूप वत, बोले जैसे रूप नहीं है वत मतलब जैसे, लेकिन नहीं प्राधान्यत्वात् उसका प्राधान्य क्या रूप का ही प्राधान्य है, अगर भगवान अरूप होते तू कहाँ से आता, दुनिया कहाँ से आता, कौन कहाँ से आता, अगर भगवान अरूप होते तो निराकार निर्गुण जैसे होते तो तू कहाँ से आ जाए, इसलिए हमारे अरूप नहीं भगवान, फिर शास्त्र में उनको अरूप क्यों बताया गया, बोले अरूप जैसे है, जैसे मतलब भगवान की जड़ रूप नहीं, भगवान अपराकृत रूप है सच्चिदानंद रूपाय, उनकी जैसे हमारी जैसे शरीर नहीं, इसलिए उनको अरूप बताया है, निराकार क्यों बताया, बोले निर्गत आकार जस्मान, जिससे प्राकृत आकार निकल गया जो अपराकृत गुण युक्त है, गुरुदेव ऐसे स्थापन किया ना उसको भरी सभा में बीच में बंद कर दी, गुरुदेव मुंह बंद कर दी, इसलिए गुरुदेव की बहुत सारी कथाएं अलग अलग समय पर गुरुदेव ने अलग अलग कथा गुरुदेव की,
इसलिए महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था संपूर्ण पृथ्वी में एक दिन महाप्रभु का नाम प्रचार होगा, हमारे गुरुदेव की वाणी को पूर्ण रूप में सार्थकता दी। इसलिए गुरुदेव का वाणी अभी संपूर्ण पृथ्वी में जहां जहां मंदिर है हर जगह में आज गुरु पूजा गुरुदेव का सबके सब गुरु पूजा करते होंगे सब जगह है गुरुदेव, क्योंकि संपूर्ण विश्व में गुरुदेव ने महाप्रभु का वाणी प्रचार की। इसलिए आज उनकी जन्मतिथि है, वो हम सबको ऊपर में कृपा करे आशीर्वाद करे, उन्होंने जैसे भजन साधन की जैसे गुरु परंपरा की सेवा की उनकी थोड़ी सी भी गुण हमारे अंदर में आ जाए है फिर हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा सार्थकता हो जाएगा। बोले श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जय, मिथिला प्रवृत्ति भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय, मिथिला प्रवृत्ति भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जय, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय, अनंत गुटी गौर मुक्त वृंद की जय, भक्ति वेदांत श्रीला बावन गोस्वामी महाराज की जय, सपरिवार गौर हरि की जय, श्री सपरिवार प्रभुपाद की जय, पिता गौर प्रेमानंद हरि हरि चरण में पुष्पांजलि देंगे और पंचामृत है कहाँ ले आओ पंचामृत ले आओ और दो पात्र ले आओ और थाली ले आओ थाली ले आओ। बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे और एक पात्र ले आओ स्नान कराना पंच पात्र भी ले आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई बाबा हरि बोल hari bol hari bol nitai gaur hari bol 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 gaur premande hari hari bol ha sab to aa jao ज्यादा मत बोलना हम लोग सब